जानकारी आपको दे दें, तीन नगर पालिकाओं पर ताजा अपडेट, एक एक सीट का पूरा हाल आप देखिए कुशीनगर का। सपा के रमानंद यहाँ से जीत गए, नगर पालिका हाटा से, जहाँ आपको बता दें रमानंद ने जीत हासिल की है। नगर पालिका कुशीनगर का हाल भी देखिए, भाजपा की जीत यहाँ पर हुई है। नगर पालिका परौना में भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अब कुशीनगर में आंकड़ा क्या कहता है ये भी अपने दर्शकों को बताते हैं। हर सीट का हाल, हर नगर पालिका नगर पंचायत का हाल बताते हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष सीट देखे, रामकोला में समाजवादी पार्टी, सुकरौली में अन्य, फाजिलनगर में अन्य, तामकुहिराज में भारतीय जनता पार्टी, कप्तानगंज में भारतीय जनता पार्टी, चितौनी में भाजपा, दुधी में बसपा और खड्डा में भारतीय जनता पार्टी, मथौली में अन्य, सेवरही में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। नगर पालिका अध्यक्ष में देख लीजिए, कुशीनगर और पडरौना यहाँ दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और हाटा एक सीट पर समाजवादी पार्टी। तो नगर पालिका और नगर पंचायत किस तरीके से यहाँ पर तस्वीरें हैं, डेटा क्या कहता है, आंकड़े फिगर्स क्या कहते हैं, वो हमने आपके सामने रखे हैं। चितौनी में भाजपा, मथौली में अन्य, रामकोला में सपा, सुकरौली में अन्य, तमकुहीराज में भाजपा, फाजिलनगर में अन्य, दुधई में बसपा, सेवरही में भाजपा, खड्डा में भाजपा और कप्तानगंज में भी भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल बुरे हाल में कांग्रेस नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर खाता भी नहीं खोल पाई है। समाजवादी पार्टी, बसपा, भाजपा ही यहाँ पर नजर आ रही है। तीन सीटें हैं देखिए नगर पालिका की, कुशीनगर में भारतीय जनता पार्टी, पडरौना में भारतीय जनता पार्टी, हाटा में यहाँ पर समाजवादी पार्टी नजर आ रही है। नगर पंचायतों का हाल भी आपके सामने है, जहाँ पर देखिए रामकोला में समाजवादी पार्टी, फाजिलनगर में अन्य है, सुकरौली में अन्य है, तमकुहिराज में भारतीय जनता पार्टी, कप्तानगंज में भी भारतीय जनता पार्टी ही नजर आ रही है, चितौनी में भी भारतीय जनता पार्टी, दुधी में बसपा, खड्डा में भाजपा, मथौली में अन्य और सेवरही में भारतीय जनता पार्टी। तो तस्वीरें आपके सामने हमने रखी कि कुशीनगर में किस तरीके से आंकड़े क्या बता रहे हैं। और ये तो जाहिर आयुषी, ये समझना होगा तमाम राजनीतिक दलों को, खासतौर पर समाजवादी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की कहां पर कमी हुई, कहां पर लैक किया, ये समझना होगा। क्योंकि कम से कम आंकड़े तो यही बयां कर रहे हैं कि अब आत्ममंथन का समय जरूर है। जिस तरीके से निगमों के रिजल्ट आप देख रहे हैं, पालिका और परिषद में जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है, एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।